की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग तैयारी करना ही चाहते हैं एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी की, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। अगर वीडियो पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। साथ ही वीडियो को जितना हो सके वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडीओ के बारे में, ठीक है। तो एडीओ के बारे में हम बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जो आपके बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, लास्ट तक कहीं जाइएगा मत। साथ ही अगर आप पीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बिल्कुल कराया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री कोचिंग कराया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क के साथ, ठीक है। ये आपके YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय रूपेश सर के नाम से वीडियो बना हुआ है, ये आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई निःशुल्क है, ठीक है। आपके साथ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और मैं आप सभी को कहने वाला था कि जो एडीओ के बारे में, तो ये आपके लिए मैं फुल डिटेल के साथ सिलेबस के अनुसार मैं आपके लिए लाया था, आप देख सकते हैं एडीओ के बारे में यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के बारे में कैसे तैयारी करना है, कैसे रणनीति होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो पर, कहीं जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक के बाद। मेरी जमीन अफसोस में एडीओ, एडीओ का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है। जो लोग नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 22 फरवरी से हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा एडीओ भर्ती के लिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराया जाएगा बिल्कुल निशुल्क के साथ, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सिलेबस को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडीओ का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि 150 प्रश्न आएगा, ठीक है। जो एडीओ होता है उसका एग्जाम आपका 150 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका 150 नंबर दिया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप 150 अंकों का रहेगा 150 प्रश्न, साथ ही 1/4 अंक काटा जाएगा यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका 4 यानी कि 1/4 अंक काटा जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। साथ ही ये समय आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा सिलेबस को, और इसी के सिलेबस के अनुसार आपको मैं तैयारी बिल्कुल कराऊंगा, सिर्फ 2 महीना, ठीक है। 2 महीना आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा मेरे साथ, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस का। तो पहला है आपका पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जो आपको 30 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 नंबर दिया जाएगा प्रश्न, आपको 30 प्रश्न, ठीक है। ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से बिल्कुल मैं सिलेबस के अनुसार, इसके अंदर बहुत सारे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, बहुत सारे जो होते हैं उनको मैं आपको डिटेल के तौर पर आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा। साथ ही ये आपका ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण विकास होता है उसमें आपका 30 प्रश्न आएगा जिसमें 30 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है। अब उसके बाद बात करें तो आजीविका, आजीविका से भी 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 30 अंकों का, ठीक है। ये टोटल आपका कितना हो गया, 30 और ये 30 और ये 30, यानी कि टोटल यहाँ पर 90, ठीक है, कितना हो गया टोटल आपका 90 क्वेश्चन हो गया है 90 अंकों का, ठीक है। पहला है पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा है ग्रामीण विकास, और तीसरा है आजीविका। इसके बाद हम बात करें जो हिंदी का, हिंदी का आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाएगा जिसमें 30 अंकों का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन से आपका 30 नंबर रहने वाला है जिसमें छत्तीसगढ़ रहेगा शामिल। उसके बाद है भारत का संविधान रहेगा, बिल्कुल भारत का, सिर्फ भारत का संविधान आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर रहने वाला है, ठीक है। यानी कि सामान्य अध्ययन से टोटल 30 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें आपको मिक्सिंग रहने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा प्लस आपका भारत का संविधान रहेगा। ये भारत के प्राचीन इतिहास वगैरह आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा,
सिर्फ भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा, भाग वन, भाग टू, भाग थ्री, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जितने भी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब वहां से आपका संविधान से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। साथ ही छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद से संबंधित जितने भी छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर होता है, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, वहां से 5 से 6 नंबर बिल्कुल आपके प्रश्न में आएगा, यानी कि एडियो के में। अगर आप लोग ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो बिल्कुल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप पर बिल्कुल अगर टाइम के बारे में बात करें, तो टाइम आपका बिल्कुल 7:30 से 8:30 के बीच बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो जो पीएससी मेंस की, यानी कि व्यापम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा। आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और यही हमारे तैयारी के लिए बिल्कुल सही क्लासेस लेकर आता हूँ, बिल्कुल जो कि आपके एग्जाम में विगत वर्षों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको मैं कराता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे ही करना चाहते हैं, तो बिल्कुल डेली क्लास करते रहिएगा। बाकी और भी बच्चे जो हैं, जो जुड़ चुके हैं वहाँ पर डेली क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पर आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट पर मैं बिल्कुल डिवाइस के तौर पर बिल्कुल मैं अपलोड कर दिया हूँ, जाके आप चेक करके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश, और मेरा नाम है रुपेश, ठीक है। मैं हूँ रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जो कि आपके एडियो के एग्जाम में सिलेबस के तौर पर आपको मैं बता दिया हूँ क्या क्या सिलेबस था और कैसे इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके डिटेल से कल से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि 22 फरवरी से है ना स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो एक दो क्लास में डेमो के तौर पर अपलोड कर दिया हूँ, रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। और साथ ही ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, पहले उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हिंदी का तो आप लोग ऐसे ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी से क्वेश्चन करा दूंगा, कैसे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।